So when we say once we have completed the compound, now we are just going to look at the mixture. So when I say mixture, so this is of two type of mixtures are there. One is homogeneous or dusra hamare paas hai heterogeneous. Heterogeneous has nothing to do. इसमें हमें कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा ये वाली बात है यहाँ पर कि भाई दो को हमने मिला दिया, चीनी और नमक लिया, मिला दिया, पानी मिला दिया, तो ये बन गया हमारे पास हेट्रोजीनियस। इसमें कोई कंपोजिशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पर इसमें की। बट व्हेन आई से होमोजीनियस, यानी यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट फेजेज आर प्रेजेंट। यहाँ पर जब डिफरेंट फेजेज आर प्रेजेंट का इसका क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो सपोज हमने क्या किया यहाँ पर, एक इमेजिन करके आप सोचे यहाँ पे थोड़ा सा कि मान लो हमने ये वाला लिया है और यहाँ पर हमने वाटर डाला हुआ है। सो दिस वाटर इज प्रेजेंट देयर, ये वाला वाटर है। हमने इसमें वाटर भर रखा है और इस वाटर को हमने क्या किया, वाटर के साथ हमने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल लाइट हमने यहाँ पर क्या किया, ऑयल ले लिया यहाँ पर। तो क्या हो उस केस में, ऑयल का जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो इसके ऊपर होंगे, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगे। सो ऑयल्स आर प्रेजेंट लाइक दिस वन। सो वी कैन सी हियर, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्लियरली हमें क्या होगा यहाँ पर, इससे दिखेगा ये हमें कि इन दिस केस ये एक शार्प बाउंड्री दिखाई देगी बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो। सो इफ यू लुक एट दिस वन, तो यहाँ पर आपको बहुत ही एक शार्प बाउंड्री दिखाई देगी लाइक दिस वन, देयर इज शार्प बाउंड्री, शार्प बाउंड्री मतलब यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि दो लेयर्स अलग हो रही हैं यहाँ पर। एंड सो दैट इज व्हाट द पार्ट ऑफ हेटरोजीनियस मिक्सचर का ये खूबी होता है कि उसमें दो जगह पे आपको शार्प बाउंड्री दिखाई देता है, दोनों में मिक्सिंग नहीं है। बट इमेजिन इंस्टीड ऑफ दिस, यदि आपने इसके बदले मान लो हमने इसी में कि हमने कुछ ऐसा ले लिया होता लाइक दिस वन, जस्ट इमेजिन करें हम लोग यहाँ पर कि हमने इसमें ऐसे ले लिया कुछ इस तरह से, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने यहाँ पर जस्ट इमेजिन करो कि हमारे पास ये वाटर था पहले, यही वाटर ले लिया है, वाटर है एंड दिस वाटर इज, इस वाटर में हमने क्या कर दिया यहाँ पर, अब थोड़ा सा इसमें मैंने चीनी मिला दिया, इसे मैंने चीनी मिला दिया, यानी कुछ ऐसे ये ग्रैनुअल्स ले लिए इसके, एंड सो जस्ट समथिंग लाइक दैट, ये पार्टिकल्स मैंने इसमें मिला दिया यहाँ पर। तो क्या हुआ, दिस पार्टिकल विल कमिंग आउट इनसाइड दिस वन, ये वाला पूरा ऐसे ऐसे ये वाला पार्ट में चला गया ऐसे, ठीक, ये कुछ इस तरह से हो गया। एंड वी हैव गॉट व्हाट, यहाँ से हमारे पास ये तो था ही यहाँ पर, इसमें ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। अब बच्चे इसमें ध्यान से देखना यहाँ पर, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें ये ध्यान रखना है यहाँ से कि अब जरा सोचो यहाँ पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसको हमें देखना है। इफ आई टेक दिस वन, यदि मैं पहले वाले की बात करूं यहाँ पर और यहाँ से हम चर्चा करके देखें और इसको समझने की कोशिश करें, तो हमें यहाँ से क्या दिखाई देगा, यदि मैं यहाँ से थोड़ा सा एक चम्मच लेकर के यहाँ से मैं निकालूं, तो यदि चम्मच लेकर निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा कुछ इस तरह की चीजें मिलेंगी। दूसरा, मैंने यहाँ पर ये लेयर ए है, सो आई कैन से दिस इज लेयर ए, देन इफ आई हैव जस्ट मार्क्ड इट दैट दिस इज योर लेयर बी, ये वाला हमारा लेयर बी है, लेयर बी, तो यहां से मैं ऐसे निकालूं लेयर में, तो यहाँ पर ये वाला कुछ ऐसे दिखाई देगा। और यदि बिल्कुल बीचो बीच यहाँ पर, यदि मैं इसकी बात करूं यहाँ से, ये वाला जो लेयर है यहाँ पर, ये वाला इसकी बात करो, बिल्कुल इस जगह से मैं निकालूंगा तो लेयर सी मान लिया इसको, तो सी वाले केस में क्या हो जाएगा, सी वाले केस में कुछ ऐसा आएगा कि थोड़ा सा हमारे पास इसमें कुछ येलो कलर वाला ऑयल भी दिखाई देगा और थोड़ा सा इसमें हमें क्या होगा यहाँ पर, इसमें ये वाला ऑयल भी है और हल्का सा ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये वाला ऐसे दिखाई देगा, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। एंड देयरफॉर वी कैन से इसमें जो कंपोजिशन है वो जगह जगह पर क्या हो रहा है, बदल रहा है, ऊपर में कुछ और है, बीच में कुछ और है और नीचे में कुछ और मिल गया। बट इन दिस केस, यदि आप इसमें कहीं से भी यहां से, सपोज मैंने मार्क कर दिया यहां पर, एक पॉइंट लिया यहाँ पर, यहां से मैंने लिया दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूं यहाँ पर, यहां से लिया तीसरा पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूं यहाँ पर, यहां से लिया, तो क्या तीनों ही कंपोजिशन जो होंगे हमारे पास वो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? सो ऑल दीज थ्री पॉइंट्स, सो कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर ऑब्टेन
कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑब्टेन्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज थ्री पॉइंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज थ्री पॉइंट्स आर सेम and therefore that is the fundamental difference between heterogeneous and homogeneous. जब भी हम लोग homogeneous कहते हैं, so that homogeneous mixture में हर जगह पर कहीं से भी आप बात करें, composition हमारा same होता है. हमें इस बात का ध्यान रखना है. और जब composition हमने same कहा है, मतलब यहाँ पर जैसे for example हम लोग ले सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं जिसमें composition same होता है, तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, solution बोलते हैं. So we call them solution कहलाता है ये. और इसी solution की हम लोग और बात करेंगे, चर्चा करेंगे. So just have a look at it, थोड़ा ध्यान से देखो जो हमने यहाँ पर describe किया है, and then we'll go ahead with this. So we are primarily concerned with homogeneous mixture. So here we have homogeneous mixture, or we can say solution. So when I say solution, so this solution essentially have two components. Solution के दो components होते हैं. One is called solute, another is solvent. Solute है और solvent है. अब बच्चों ये ध्यान रखना आपको इसमें ये है कि homogeneous mixture है, जैसे हमारे पास इसमें कुछ भी हो सकता है. It can be solid हो सकता है, liquid हो सकता है, gas हो सकता है. जैसे अब देखो आप अपने आस पास आप ढूंढने की कोशिश करो. जब अपने आस पास ढूंढोगे तो सबसे पहली बात हम लोग करें एयर. एयर अपने आप में क्या है, ऑलमोस्ट एयर इज अ यू कैन से होमोजेनियस मिक्सचर है. कभी कभी जहां पर कोई फॉल स्मेल आ गया, कुछ आ गया, तो बात अलग है. अदरवाइज इट इज ऑलमोस्ट सेम रहता है हर जगह पर. ठीक, कहीं पे गंदगी है तो फिर आप हो सकते हैं वहां पर आपको स्मेल लगे. अदरवाइज यदि हम ओवरऑल जनरल मैदान में हम खड़े हैं, मैदान के एक कोने में खड़े हो जाए, दूसरे कोने में चले जाए, बात बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. अब उसके बाद सेकेंड की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर. दूसरा यदि मैं बात करूं एलॉयज की, या फिर एलॉय छोड़ो, अभी जो भी ऑर्नामेंट्स हम लोग पहनते हैं, तो ऑर्नामेंट्स में क्या होता है यहाँ पर. सपोज जैसे मैंने कहा कि गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट है, डू यू थिंक इट इज प्योर गोल्ड? प्योर गोल्ड तो होता नहीं है वो. तो वो गोल्ड में हमने कुछ मिक्स कर रखा होता है, और वो क्या मिक्स होता है उसके अंदर, सिल्वर मिक्स होता है, कॉपर मिक्स होता है. हैव यू एवर सीन कि गोल्ड का है उसमें से कहीं पे एक कॉपर का धागा निकल गया? नथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं होता है. व्हाट वी डू इज रादर वी मिक्स देम अप, यानी गोल्ड के जो एटॉमिक लेवल में जब हम जाते हैं तो वहां पर पूरा उसके मिक्स कर देते हैं वहां पर जाकर के. मतलब कुछ ऐसे आप समझिए इसको कि मान लो हमारे पास ये एक ब्लॉक है, यानी इसमें हमने यहाँ पर ये गोल्ड का एक पार्ट रख रखा है, समथिंग लाइक दिस वन. सपोज जैसे ये कुछ इस तरह का हमने यहाँ पे ले लिया, ये वाला गोल्ड है. ठीक, अब कॉपर जो होता है वो तो रेडिश कलर का होता है, थोड़ा सा रेड, और ये इसमें मिक्सड होते हैं कुछ इस तरह का, यानी थोड़ा सा मैं देखूं यहाँ पर तो ये कॉपर होगा, कुछ इस तरह का कलर होता है. हाँ, ये इस तरह का कॉपर होता है, कॉपर का कलर ये वाला है. अब जो आप इसको क्या करते हो, आप इसको मिक्स करते हो, सो व्हाट हैपेंस इज इन दैट केस, यहाँ पर क्या होगा, हमने इसको मिक्स कर दिया. अब जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से बनने वाला जो होगा, सो दिस इज, यानी इन दोनों को जब मिक्स करेंगे, सो हियर वी हैव गॉट दिस वन, ये वाला है, ऐसे ही रहेगा ये वाला. अब इसमें क्या हो गया, आपने इसको भी मिक्स कर दिया, इसको भी मिक्स कर दिया, मतलब यहाँ पर हमने इस वाला पार्ट जो था, ये वाला पार्ट, इसको हमने इसमें ऐसे मिक्स कर दिया, राइट? जब ये अमाउंट इसे काफी कम होता है, सो इस तरह से पूरा ये मिक्स हो जाता है, बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे जाकर घुस जाता है. यानी आप ऐसे समझ सकते हैं इसमें कि इट विल बिकम लाइक दिस, बिल्कुल कुछ इस तरह से ये बन जाता है. अल्टीमेटली आपको कहीं पे दिखाई देगा नहीं इसके अंदर क्या है, इसमें कॉपर भी प्रेजेंट है, वो आपको दिखाई नहीं देता है. यानी मान लीजिए हमारे पास ऐसे है कि ये वाले गोल्ड के एटम्स हैं, ये वाले गोल्ड के एटम्स हैं यहाँ पर, ऐसे 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 इस तरह से. ठीक, तो क्या होता है यहाँ पर इसमें कि रैंडमली ये जो कॉपर वाला एटम है वो आकर के बीच बीच में कहीं कहीं पर छुप जाता है. क्योंकि अमाउंट इसका कम होता है तो वो हमें दिखाई देता नहीं, उसका अपीयरेंस बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है. तो जब ऐसे बीच में आकर छुप गया तो फिर क्या होता है यहाँ पर कि यही वाला इसको स्ट्रेंथ प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, एंड दैट मेक्स इट बेटर फॉर यूजेस. सिमिलरली आपने सुना होगा अमलगम का नाम सुना होगा आपने, सो यू माइट हैव हर्ड ऑफ अमलगम. अमलगम में क्या है हमारे पास, अमलगम जब हम कहते हैं यहाँ पर,
सो वी हैव मर्करी हमारे पास होता है एंड दैट मर्करी इज बेसिकली व्हाट मर्करी है बिल्कुल शाइनी सरफेस होता है मर्करी का व्हिच इज लाइक दिस वन ये बिल्कुल एक लिक्विड फॉर्म में है हमारे पास ये मर्करी है शाइनिंग मर्करी इज देयर ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे पास लेकिन मर्करी में भी क्या हमने कहा है यहाँ पर ये भी मेटल है दिस इज मेटल रिमेम्बर ये भी मेटल है रिमेम्बर दैट कि मर्करी इज अ मेटल अब हमने क्या किया इसके अंदर सोडियम ले लिया सोडियम का भी कलर ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है थोड़ा सा डिफरेंट है इन द सेंस कि ये वाला हल्का सा वाइटिश रहेगा रादर इसको ऐसे ले ले हाँ सोडियम कुछ इस तरह का ब्लॉक होता है हल्का सा अंतर है इसमें कलर का लाइट ये मतलब इसको थोड़ा मैं येलो ही सुना देता हूँ वो ये दिखाई दे समझ में आया अंतर ये सॉलिड है दिस वन इज सॉलिड तो अब जब आपने इसको क्या किया यहाँ पर ऐसे डाला है इसको सो व्हाट हैपेंस इज ये जो लिक्विड वाला पार्ट था यहाँ पर ये इसका लिक्विड वाला पार्ट है यहाँ जो मर्करी का जो हमारे पास लिक्विड वाला पार्ट था तो वही पार्ट ले लिया हमने इसमें उसी पार्ट्स में यहाँ पर ये वाला जो पार्ट इसका लिक्विड वाला पार्ट था इसके बीच बीच में इनके एटम जो सोडियम के एटम है वो जाकर के चिपक जाता है यानी वो जाकर के घुस जाता है so as a result this is just getting inside this one ye wala iske andar chala gaya and therefore it is giving some making its property a bit different so this is again ye bhi kya hamare paas ek ye solution hai this is a solution isko hum log kya kehte hain sodium amalgam kehte hain NaHg ye ho gaya to is tarah se hum log kya kar sakte hain iski property ko hum log change kar sakte hain and these are called jo hamare paas ye amalgam hai ये हमारा मेटल अमलगम NaHg अमलगम फॉर्म हो गया यहाँ से सिमिलरली जिंक अमलगम होता है तो कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि जो Hg के पार्टिकल का साइज है ये थोड़ा सा बड़ा है अब इसमें क्या होगा इसके बीच बीच में जिंक आ गया या सोडियम आ गया या कोई दूसरा मेटल हमने लिया मान लो ये जिंक है तो ये जिंक आ गया जिंक बीच में घुस गया यहाँ पर और यदि हमने सोडियम अमलगम ले रखा है तो बीच में क्या आएगा यहाँ पर बीच में सोडियम आ जाएगा सो दैट वे इट इज फॉर्मिंग अमलगम इस तरह से बन गया सिमिलरली एयर हमने बात कर ही ली है सिमिलरली आप बात करेंगे हम लोग बात कर सकते हैं मिल्क की मिल्क इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन है सो फ्रॉम ऑल दैट दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन होमोजेनियस मिक्सचर और इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं अब द मोमेंट आई से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिफिनेशन में फ्लॉज हमें दिखाई देता है यहाँ पर हमें दिक्कत होती है क्या दिक्कत होती है कि कैसे हम डिफाइन करते हैं सोल्यूट को और सॉल्वेंट को तो यहाँ पर एक कॉमन सा मिस्टेक है यदि मैं आपसे पूछूं कि सॉल्वेंट क्या होता है तो नॉर्मली जो जवाब आता है जो हमें सिखाया जाता है जो हम सीखते हैं उसमें ये कहा जाता है कि दी वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं आपने क्या सीखा है प्लीज बताएं मुझे सो जस्ट सेइंग दैट दिस डेफिनेशन इज इनकरेक्ट कि भाई यहाँ पर सॉल्वेंट जो एक्सेस में होता है हमें ये सिखाया जाता है जो कि गलत है तो यही हमारा मतलब पर्पस सॉल्व नहीं होता है इसको हमें ठीक भी करना है इसको हमें ठीक से समझना भी है एंड सो वी डिफाइन इट इन अ डिफरेंट वे सो लेट अस सी हाउ टू डिफाइन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट कैसे डिफाइन करते हैं उसको समझेंगे एंड देन आई विल टेक यू थ्रू द मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की हम लोग फिर बात करेंगे And so have a look at it. ध्यान से देखना, सुनना, समझना. So when I say this is, you can say solvent or solute. हमने यहाँ पर जब बात की है यहाँ पर, so we can write from this one यहाँ से. So definition of solvent is, or solvents are defined in the following way. पहला हमें ये ध्यान रखना है यहां पर फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फेज ये पहला डेफिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फेज और दूसरा डेफिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी क्वांटिटी पर बेस्ड है और दूसरा हमारे पास जो डेफिनेशन यहां पे लिखा है That is on the basis of phase. तो पहला हमने यहाँ पर लिखना है on the basis of phase के basis पे definition को define करेंगे on the basis of phase की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर. So when I say this is on the basis of phase, so here it is. The component whose phase is same as
दैट ऑफ द सॉल्यूशन. आई होप यू रिमेम्बर द मीनिंग ऑफ फेज. जैसे हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैस को ने डिफाइन कर रखा है, तो उसी बात को हमें ध्यान रखना है यहाँ पर. द कंपोनेंट हुज फेज इज सेम एज दैट ऑफ द सॉल्यूशन. मान लो जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटी सी बात की है, लेट अस लुक एट दिस वन. मान लिया मैंने कहा H2O है, तो H2O का नॉर्मल स्टेट क्या होता है? लिक्विड होता है. फिर हमने यहाँ पे इसमें सुगर लिया, चीनी लिया, इसका नॉर्मल स्टेट क्या है? सॉलिड है, ये सॉलिड हो गया. अब हमने इसको मिक्स कर दिया. जब आपने मिक्स कर दिया तो यहां से क्या बन गया हमारे पास? सो वी हैव गॉट व्हाट? हमारे पास बन गया सुगर का सॉल्यूशन, बना सुगर एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन बना यहाँ पर. जब ये सुगर एक्वस सॉल्यूशन बन गया, अब हमारे पास क्या, ध्यान से देखना, ये वाला लिक्विड है, ये वाला सॉलिड है, और ये वाला भी क्या है? लिक्विड है. तो ये और ये सेम है, डिफरेंट है? सिमिलरली आई कैन से ये और ये क्या है? सेम और डिफरेंट है. ये और ये क्या, डिफरेंट है और सेम है? सो आई एम जस्ट राइटिंग देम. मैं इन सबको लिखूं यहाँ पर. सो वी कैन फाइंड लिक्विड और सॉलिड डिफरेंट, सॉलिड लिक्विड डिफरेंट, लिक्विड लिक्विड सेम, एंड देयरफॉर यस, सो वी हैव गॉट द सॉल्वेंट हियर. यानी जिसका फेज सेम है, जो सॉल्यूशन का फेज है, ये हमारा सॉल्यूशन है बच्चा, ध्यान रखना, ये सॉल्यूशन है. रिमेंबर दिस इज सॉल्यूशन. इसका फेज H2O के फेज से मैच करता है, जो कि सेम है, एंड देयरफॉर वी आर सेइंग दिस इज योर सॉल्वेंट. इसलिए क्योंकि द फेज ऑफ H2O लिक्विड इज सेम एज दैट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज आल्सो लिक्विड. Therefore, we can say that water is, or we can say H2O is solvent. ये H2O हमारा क्या हो गया? Solvent हो गया. So this is how we define on the basis of phase. यानी वो component हमें देखना है mixture का, जिस component की जो हम बात कर रहे हैं, जो जिसका phase सॉल्यूशन के फेज से मैच करता है, वो कंपोनेंट हमारा क्या है? वही सॉल्वेंट है. जो मैच नहीं करे वो सॉल्यूट हो जाएगा. H2O सॉल्वेंट है, तो ये सुगर हमारा क्या हो जाएगा? सुगर इज सॉल्यूट. जब दूसरा डेफिनेशन हमारे पास आता है वो ये वाला है. अगेन द सेकंड डेफिनेशन इज व्हाट? सेकंड डेफिनेशन वेरी इंटरेस्टिंग, एंड हियर वी कैन से सेकंड, व्हेन फेज इज सेम, जब फेज हमारा सेम हो जाए, when phase is same मतलब क्या हो गया कि solute और solvent जो दोनों है हमारे पास, सबका phase same ही है. मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर H2O लिया, H2O liquid है, then ethanol है हमारे पास, CH3 CH2OH ethanol, ये भी liquid है, हमने इसको mixture बना दिया, हमारे पास ये solution बन गया. solution है ये वाला हमारे पास, ये भी liquid है. So liquid, liquid, liquid. So all of these are liquid. All are liquids. ये सारे के सारे क्या है? Liquids हैं. Therefore they have identical phase. Therefore they have identical phase. Identical phase. And therefore we can say कि in this case quantity is used to decide. Quantity is used to decide, quantity is used to decide whether or quantity is used to decide the solvent and solute, decide the solvent and solute, the solvent and solute. Those component which is present in excess, component present in excess is solvent. जो less amount present हो, component present in less amount that would be solute. तो अब यदि मैं इसमें ऐसे लिख लूं, जैसे मान लो मैंने ये कहा कि भाई 100 ml हमने लिया है यहाँ पर, तो इसमें कुछ ऐसा बना देते हैं, H2O है हमारे पास 50 ml और ETOH इथेनॉल है, CH3CH2OH है,
यहाँ पर ये है 25 ml। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये वाला हमारा क्या होगा, ये सॉल्वेंट बन जाएगा। ठीक, इसका उल्टा कर दोगे तो यहाँ पर 25 और 50 कर दिया, उस केस हमारे पास ये इथेनॉल जो है वो वाला क्या हो जाएगा, 25 ml जो है कि मध्य हमने 50 ml कर दिया, इसको 25 ml कर दिया, तो ये इथेनॉल ही हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट बन जाएगा और ये सोल्यूट बन जाएगा। सो दिस इज हाउ वी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। सो वी हैव गॉट टू डेफिनेशंस, दो डेफिनेशन है हमारे पास, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फेज और दूसरा है हमारे पास जब फेज सेम हो तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। तो जब फेज हमारे पास डिफरेंट होता है उस केस में जिस कंपोनेंट का फेज सॉल्यूशन के फेज से मैच करेगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा, और जब फेज सेम है तो जो ज्यादा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी नीड, दैट इज व्हाट एंड हाउ वी डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो जस्ट गो थ्रू इट, देखो समझो, होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और इससे आगे की हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में। बट बिफोर दैट यू मस्ट हैव अ लुक एट दिस वन, यहां से देखो समझो, और कोई दिक्कत है तो पूछो।